हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जो भी लोग मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, भविष्य में देखेंगे, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मैं यूट्यूब के माध्यम से आप सभी के सामने विभिन्न प्रकार के रोगों, उनके लक्षणों और कैसे हम विभिन्न प्रकार के रोगों से बच सकते हैं इस संबंध में जानकारी देता हूँ। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कैसे होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली विभिन्न प्रकार के रोगों में असाध्य असाध्य रोगों में कारगर साबित होती है। मैं नित्य आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आता हूँ और आज मैं लेकर आया हूँ नया वीडियो ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर। 20 अक्टूबर के दिन वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के रूप में मनाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस शब्द है क्या, इसका क्या मतलब होता है, यह आप सभी के मन में रहता होगा। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हमारी हड्डियों की वीकनिंग, या फिर हमारी हड्डियां जब कमजोर पड़ने लगती हैं तो उस कंडीशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस में जो हमारी हड्डियों की बोन मास डेंसिटी होती है, या फिर जो खनिज घनत्व कहते हैं इसे हम, जो खनिज घनत्व होता है वो कम होने लगता है। इस वजह से हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है, हड्डियां कमजोर होने लगती है तो उसमें जल्दी फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है। ये मोस्टली 40 से 50 साल के बाद देखने को मिलता है और मुख्यतः ये महिलाओं में देखने को मिलता है, क्योंकि महिलाओं में मेनोपॉजल कंडीशन आती है या फिर मासिक धर्म खत्म हो जाते हैं, उसके बाद जो हार्मोनल लेवल होता है महिलाओं में वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। हार्मोनल लेवल जैसे एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, और एस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हड्डियों में। इस वजह से जब ये चेंज होता है तो महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन बहुत जल्दी देखने को मिलती है, या फिर पुरुषों में भी एंड्रोजन लेवल कम होने के बाद ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी हड्डियों में मोस्टली ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन देखनी पड़ती है। वैसे तो सारी की सारी हड्डियों में ये कंडीशन देखने को मिलती है ऑस्टियोपोरोसिस की, जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड की रीढ़ की हड्डी हो गई, वर्टिब्रा हो गई, या फिर हमारी हिप बोन हो गई, ये सारी की सारी बोनों में हमारी ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है, जो हमारी हड्डियों की थिकनेस होती है, या फिर जिसको हम कॉर्टिकल थिकनेस कहते हैं, जो ये हड्डी है इसके साइड साइड में जो थिकनेस है इसकी, वो कमज़ोर होने लगती है। इसके अलावा इसमें एक ट्रैबिकुलाइज प्रेजेंट होती है, ट्रैबिकुलाइज जो इसके मास को बढ़ाती है वो भी इसमें कम होने लगते हैं, इस वजह से हमारी हड्डी कमज़ोर होने लगती है। अब हम बात करेंगे किन किन कारणों से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। जो हमारी बॉडी में बोन फॉर्मेशन होती है और जो बोन की ब्रेकडाउनिंग प्रोसेस होती है, वो दोनों इतने साइमल्टेनियसली होती है कि हमें पता नहीं लगता कि हमारी हड्डी कमज़ोर हो रही है। मेरा कहने का मतलब है, जो हमारी हड्डी होती है उसमें जो रीजनरेशन पावर होती है, या फिर जो बनते रहती है, वो बोन मास उसका बढ़ते रहता है, और जो कुछ मास उसमें से कम होते रहता है, वो दोनों इतने जल्दी जल्दी होता है कि हमें पता नहीं लगता कि ये प्रोसेस कब हो रही है। पर कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जो बोन फॉर्मेशन है, जो बोन की रीजनरेशन पावर है, वो कम होने लगती है, इस वजह से हमारी हड्डी कमज़ोर पड़ने लगती है। किन किन कारणों में, किन किन कारणों के वजह से ये देखने को मिलता है, ये औसतन जो ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या फिर जो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उन लोगों में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं 40-50 साल के बाद जब उनकी मेनोपॉजल एज आ जाती है, हार्मोनल लेवल के उस वजह से उनमें ये देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ जो लोग कम एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों में भी ये देखने को मिलता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन हमारे अंदर आ सकती है। या फिर जो लोग बहुत सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, या फिर जो लोग बहुत वर्कहोलिक हैं, या फिर जो कामकाजी लोग हैं जिनको फुर्सत नहीं मिलती बिल्कुल, वो लोगों में भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा जो कैल्शियम लेवल बहुत, कैल्शियम की मात्रा बहुत कम लेते हैं अपने खाने में, उन लोगों में भी ये देखने को मिलता है। इसके अलावा विटामिन डी भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ऑस्टियोपोरोसिस के कोई मरीज है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे क्या क्या डायग्नोसिस होती है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, किन किन डायग्नोसिस से हम पता कर सकते हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है। सबसे नंबर वन डायग्नोसिस होती है एक्सरे। अगर हम एक्सरे करेंगे तो हमें पता लग जाता है कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हो रही है, या फिर हम कैल्शियम लेवल चेक कराएंगे अपना, या फिर विटामिन डी लेवल चेक कराएंगे। इसके अलावा अगर हम बोन मिनरल डेंसिटी कराते हैं, अगर डेक्सा हम करवाते हैं, तो उससे भी हमें पता लग सकता है। अब डेक्सा का मतलब क्या होता है, डेक्सा का अर्थ होता है ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एंजियोटोमी। इसमें हम बोन जो मिनरल डेंसिटी होती है उसको हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे ये रोग होता कैसे है। हमारी बॉडी में ऑस्टियोक्लास्ट सेल और ऑस्टियोब्लास्ट सेल दो टाइप की सेल पाई जाती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट सेल का काम होता है जो बोन को डिस्ट्रॉय करने में, वो धीरे धीरे करके बोन की डेंसिटी को कम करते रहती हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट सेल का काम होता है बोन की ग्रोथ को करना। क्योंकि ये दोनों प्रोसेस इतनी जल्दी जल्दी होती है कि हमें पता नहीं लगता कि कब बोन रीजनरेट हो रही है और कब डीजनरेट हो रही है। और जो बोन रीजनरेशन की पावर होती है, या फिर जो बोन बनने की जो टाइमिंग होती है, वो बहुत इतनी जल्दी होती है कि हमें पता ही नहीं लगता है कि बोन डिस्ट्रॉय भी हो रही है। जब इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों प्रक्रियाओं में अगर कोई डिस्टर्बेंस होगा तो हमारी हड्डियों पर असर पड़ेगा और हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी और ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन आ सकती है। इसी के अलावा अगर हार्मोनल लेवल पर अगर आपको कोई चेंज आता है, आपका एस्ट्रोजन लेवल चेंज होता है, आपका एंड्रोजन लेवल चेंज होता है, तो भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे
मेनोपॉजल जब एज आती है महिलाओं में, जब 40-45 के बाद जब हमारी उम्र आय को बढ़ती है, तो धीरे धीरे करके एस्ट्रोजन लेवल हमारी बॉडी से कम होने लगता है, महिलाओं की बॉडी से कम होने लगता है। तो अगर एस्ट्रोजन लेवल कम होगा तो उसका डायरेक्टली असर पड़ता है हमारी बोन्स पे। उस इसी वजह से बहुत सी महिलाओं में 40-50 साल के बाद जल्दी से जल्दी, अगर वो थोड़े हल्का सा भी गिरेंगी तो उनकी हड्डी जल्दी से टूट जाती है या फिर हड्डियाँ उनकी कमज़ोर होने लगती है। इसके अलावा जो महिलाएं एक्सरसाइज नहीं करती हैं या फिर जो पुरुष एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ऑस्टियोपोरोसिस में, क्योंकि अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उससे हमारी हड्डियाँ मजबूत नहीं होती हैं और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑस्टियोपोरोसिस का। इसी के अलावा जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है या फिर जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती हैं ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन के लिए। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसके साइन और सिम्टम्स क्या आते हैं। जो मेन और साइन और सिम्टम आता है इसका, वो है बोन फ्रैक्चर या फिर वीकनिंग। हमारी हड्डी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि अगर ज़रा सा भी हमें चोट लगेगी या फिर ज़रा सा भी हम स्लिप हो जाएंगे तो हमारी हड्डी टूट जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सिम्टम होता है वो इसका होता है। इसके अलावा हमारी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाएंगी, हल्का सा भी लगेगी चोट तो हमको दर्द होगा या फिर धीरे धीरे करके हमारी हड्डियों में दर्द होने लगेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण साइन होता है ऑस्टियोपोरोसिस का। अब हम बात करेंगे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को, कि क्या क्या ऐसे मैनेजमेंट हम कर सकते हैं जिससे हमें ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकें। सबसे पहले जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या फिर जो अल्कोहल लेते हैं, उनको कम्प्लीटली इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए या फिर कम्प्लीटली सीजेशन ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल, क्योंकि दोनों के दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन के लिए। या फिर जो हमारा डेली कैल्शियम इनटेक है, जो हम कैल्शियम लेते हैं उसको हमें बढ़ाना चाहिए। हमें मैक्सिमम जब हमारी उम्र 45-50 के बाद हो जाती है महिलाओं में मोस्टली, तो उन्हें 500 mg से ज़्यादा कैल्शियम लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम सबसे ज़्यादा मिलता है हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में या फिर जो हरी सब्जियाँ होती हैं उनमें हमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम मिलता है। इसके अलावा मीट हो गया या फिर बीन्स हो गई, सोयाबीन हो गई, आलमंड हो गया, या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे दूध हो गई, छाँस हो गई, योगर्ट्स हो गया, इन सभी में कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण मात्रा में पाया जाता है। इसी के साथ साथ जो सूरज की सुबह की रोशनी होती है वो हमारी बॉडी में विटामिन डी को प्रोड्यूस करने में बहुत कारगर होती है। जब विटामिन डी प्रोड्यूस होता है तो वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि सुबह सुबह की आपने धूप लेनी चाहिए, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर प्ले करता है हमारी ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन से बचाने के लिए। इसके अलावा जो सोयाबीन्स होती हैं, सीड्स होती हैं या फिर मछली होती है, वो सब बहुत ज़रूरी होती है ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन के लिए। ये तो थी जनरल मैनेजमेंट की बात है। अब हम बात करेंगे इसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट क्या है, होम्योपैथी में हम कैसे हम इससे बच सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत सी निम्न प्रकार की दवाइयाँ होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन से बचने के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में हमारा हार्मोनल लेवल सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और हार्मोनल लेवल को डिस्टर्ब करने के लिए होम्योपैथी सबसे कारगर पैथी है। इसमें इंसान की पूरी इंडिविजुअलिटी को लिया जाता है, पूरे सारे साइन और सिम्टम्स को लिया जाता है, उसके आधार पर एक दवाई चिन्हित की जाती है, उसके आधार पर उनको हर इंसान को एक दवाई भी जाती है। यानी कि अगर कोई भी ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन से सफ़र कर रहा है तो हम उसकी पूरी इंडिविजुअलिटी लेंगे, उसके पूरे साइन और सिम्टम्स लेंगे, उसकी पूरी केस टेकिंग लेंगे, उसके बाद हम उसके लिए एक दवाई लेंगे। क्योंकि होम्योपैथी में हर रोग के लिए बहुत सी दवाइयाँ हैं, बहुत सी दवाइयाँ हैं, उसको एक दवाई देंगे जिससे वो ठीक हो जाए। तो उसकी हम पूरी केस चेकिंग लेके जब हम उसके लिए एक रेपर्टराइज करके एक दवाई सेलेक्ट करेंगे, वो उसके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। इसी के साथ साथ और भी बहुत सी दवाइयाँ होते हैं, जैसे कैल्केरिया फॉस एक दवाई आती है, कैल्केरिया फॉस 6 नंबर, कैल्केरिया फॉस 6X या फिर 3X, जो कि बहुत ज़रूरी है ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन के लिए। और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं, जैसे साइलिशिया हो गई या फिर सिलिनियम हो गई या फिर सीपिया हो गई या फिर बहुत सी और भी दवाइयाँ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन से बचाने के लिए। पर सबसे महत्वपूर्ण दवाई है कैल्केरिया फॉस, क्योंकि कैल्केरिया फॉस डायरेक्ट कैल्शियम का सोर्स है और फॉस्फेट है उसके साथ में, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसी वजह से होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली में ऑस्टियोपोरोसिस का बहुत सफल उपचार होता है और पैथियों में इसका उपचार उतना अच्छे से नहीं होता है। धन्यवाद।